Goyal, Shri Praveen Sathar, Shri N.K. Bhargav, Shri Suresh Upadhyay, Shri C.S. Rathor, Shri Mahavir Lunawat, and Shri Chandra Singh Kothari. मैम, मैं प्रवीण सुथार फोर्टी उदयपुर की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आप पधार गए यहाँ सभी अतिथि और सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। फोर्टी जयपुर में 1953 में स्थापना हुई थी, जो कि अभी तक राज्य सरकार और उद्यमियों के बीच में एक सेतु का कार्य कर रही है और जिसकी अभी उदयपुर संभाग की एक कार्यकारिणी की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, जिसकी हम लोग लॉन्चिंग यहाँ पे इस महीने के लास्ट वीक में करेंगे। पर ये इनिशियली एक फर्स्ट में हम एक छोटा सा कर चालू शुरुआत की है आज के इस सेमिनार से। और हमारे यहाँ अभी मेयर साहब अतिथि के रूप में पधारने वाले हैं कुछ देर में, और मंच पे बैठे हैं हमारे फोर्टी जयपुर से सेक्रेटरी श्री सुनील जी गोयल साहब का स्वागत करता हूँ तालियों के साथ और अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पधारे हमारे पेंटोमेथ के चेयरमैन श्री महावीर जी रणौत साहब का स्वागत है तालियों के साथ अभिनंदन। और शिवा ट्रेडर से पधारे गए का भी तालियों से स्वागत और अभिनंदन। एवं यहाँ पे जितने भी पधारे हैं जाने माने उद्यमी एवं अतिथियों सबका स्वागत है और अभिनंदन कि आप लोग यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है। अब धन्यवाद। नाउ आई वुड वेलकम श्री सुनील दत्त गोयल। ऑनरेबल डिग्निटीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, महाराणा प्रताप की पावन भूमि को मेरा नमन। उदयपुर में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम मैं अटेंड कर रहा हूँ और व्यापार उद्योग जगत के लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। पेंटोमेथ में राजस्थान का जो चैप्टर है वो मैं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। पिछले 35 साल से स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज का मैं प्रमोटर मेम्बर, यंगेस्ट डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। और सेबी की कई कमेटियों में मैं मेंबर भी रहा हूँ और 4 साल बैंक में डायरेक्टर रहा हूँ। पिछले 3 साल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फोर्टी और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हूँ। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जो स्टॉक मार्केट अपन मोर स्पेशली बोले, लोगों में पहले धारणा थी कि सट्टा बाजार पहले कभी रहा था, ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन 92 में जब सेबी आई, रेगुलेशंस बनना शुरू हुए, कुछ अच्छे बुरे कड़वे अनुभवों के साथ आज जयपुर, आज इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है वो बहुत सिक्योर्ड और बहुत मैच्योर्ड मार्केट है। अगर आप देखें पिछले 8 सालों में जो ग्लोबल रिसेशन चला, उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट में शायद ही ऐसी कोई कंपनी या कोई मैनेजमेंट या कोई ब्रोकर फर्म होगी जो बैंकक्रप्ट हुई होगी। तो ये उसकी स्ट्रेंथ और उसके कंप्लायंस की निशानी है। पिछले कुछ समय में सरकार ने SME लिस्टिंग के ऊपर बड़ा फोकस किया। उसकी वजह थी कि पहले बैंक, और आज भी इंडिया में जब बैंक लोन देता तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर लोन नहीं देता। ये हमारी बड़ी गलतफहमी कि मेरा प्रोजेक्ट बैंक ने लोन दे दिया। वो लोन तो कोई जैसे लोगों का अखबारों पर नाम पढ़ते उन्हीं लोगों को मिलता, बाकी तो हमें तो मॉर्गेज लोन मिलता है। पहले 2 गुना की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दो, फिर पर्सनल गारंटी भी दे दो, घर का मकान जरूर होना चाहिए। ये सारी बैंकों की जो प्रॉब्लम्स को सरकार ने समझा, उसको रूल आउट करने के लिए उन्होंने निकाला कि SME लिस्टिंग के एक ऑप्शन दिया जाए। उसमें सरकार ने बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं जिसका विस्तार में वर्णन महावीर जी लुनावत करेंगे मेरे मित्र। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जिस तरीके से इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, तो कोई भी उद्योगपति बैंक के लोन को लेकर के उस दौड़ में कॉम्पीट नहीं कर सकता। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टिंग कराना जरूर चाहिए। बहुत कम पैसों में, बहुत कम खर्चों में कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, कंप्लायंस बहुत कम है। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट कराएँ तो 2-3 असूलों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट को आपने उस प्रोस्पेक्टस में डाला है,
जिस भरोसे पर आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया है, उस भरोसे को आप इन्वेस्टर के साथ बना के रखें। पिछले 35 साल में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपने देखी होंगी, रिलायंस भी है, तो ऐसे और बहुत सारे नाम हैं जो शायद आज लोगों को याद भी नहीं, पर रिलायंस का नाम लोगों को याद रहता है कि उसने दिया इन्वेस्टर्स को, लिया बहुत है, लेकिन उस कंपेरिजन में जितना भी दिया वो इतना दिया कि वो इंडिया को आज भी लीड कर रहे हैं। तो जब भी आप लिस्टिंग के लिए आएँ, जो अपने प्रोमिसेज आप अपने इन्वेस्टर को करें, उन प्रोमिसेज को पूरा करें, जो पैसा आपको मार्केट से मिले उसको अपनी कंपनी में लगा करके कंपनी की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। इन्वेस्टर को 12-15% डिविडेंड साल का दो तो चलेगा, इन्वेस्टर बड़ा खुश है, शेयर अपना भी 50 में हो जाते हैं एक साल में। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि राजस्थान में पहली बार अपॉर्चुनिटी लेकर हम लोग आए हैं यहाँ, और काफ़ी अच्छा काम पिछले 3 सालों में SME लिस्टिंग में हुआ है। उदयपुर को चुना कि अब उदयपुर में जहाँ हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है काम करना काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ, कि यहाँ पे एक बात की जाए, एक डिस्कशन किया जाए कि अपॉर्चुनिटी कैसी है और कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई हैव बीन एडवाइज्ड कि हिंदी में बात करें तो प्रोबेबली कनेक्ट ज़्यादा हो पाएगा, और बहुत ही कम समय में ये प्रोग्राम का जो फ्रेमवर्क बना है, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मैं इनर ऑफ माई हार्ट थैंक्स देना चाहूँगा 40 के उदयपुर की पूरी लीडरशिप टीम और पेंटोमैथ फाउंडेशन की टीम को। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, और एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, हम सब के बेनिफिट के लिए आप डिस्कशन करिए और ओपनली हम ट्रांसफर बात करके और इसका मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये क्या है, लिस्टिंग की बात करें तो बहुत सारे घबराहट आ जाती है दिल में, वो हम बात करेंगे कि क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम अपने माइंड में अपनी बैलेंस शीट विजुलाइज करें, 3 करोड़ की कैपिटल है फॉर एग्जांपल, और 3-4 करोड़ के रिजर्व है, तो 6-7 करोड़ की नेटवर्थ बैलेंस शीट की है, लैंड प्लांट मशीनरी की वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि लैंड बहुत पहले ली हुई है दादाजी के टाइम की, और बुक्स में 1 करोड़ की लैंड है लेकिन आज उसकी वैल्यू 50 करोड़ है। प्रॉफिट, आजकल हमने ये क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया कि कितना प्रॉफिट है बिजनेस में, ये पूछते हैं कि प्रॉफिट कितना दिखाते हैं बिजनेस में। तो जो टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड्स है, पार्डन मी फॉर सेइंग और मेकिंग सम कमेंट अबाउट दैट, तो टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट दिखता है उसके हिसाब से रिजर्व जो रहता है वो काफ़ी, वो टैक्स प्लान्ड एक फिगर रहता है जो काफ़ी बार अंडरस्टेटेड रहता है। तो ये जो 5-6 करोड़ की जो नेटवर्थ है बैलेंस शीट में, ये हमारी कंपनी की वैल्यू हुई एज पर बुक। Industries Private Limited, Sri M.S. Lunawat, Managing Director, M.L. Lunawat, sorry, Mr. Sunil Lunawat, thank you.
Products Limited, Sri B.L. Daglia, Managing Director. He's not there. Pyrotech Electronics Private Limited, Sri Amit Talesra, Director. Pyrotech Electronics Private Limited, Sri Pradeep Kothari, Executive Director. India Private Limited, Sri Vinay Rathi. Anybody from Timpson's can please come upon the stage. Director. A big round of applause, please, everyone. Congratulations to all the award winners. Now we begin the felicitation ceremony. I would like to call Sri Sunil Dutt Goyal and Sri Mahavir Lunawat to present the award. To Mr. Suresh Upadhyay, Shiva Export Limited. Shri Hansraj Chaudhary, Senior Vice President, UCCI, to be please felicitated by Shri Praveen Suthar and Shri Mahavir Lunawat. Vaibhav Rathod can join in on behalf of Reena. Mr. Vaibhav Rathod, please can join on behalf of Ms. Reena. Shri C.S. Rathod. Senior Vice President, UCCI, to please be felicitated by Shri Sunil Dutt Goyal and Shri Mahavir Lunawat. By Shri Praveen Suthar and Shri Mahavir Lunawat.